हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और कैसे हम अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा। ठीक है, अल्फ़ाबेट की जब बात आती है पोजीशन की, तो अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या भाई, ए टू जेड अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, जहां स्टार्टिंग ए से होती है, लास्ट में आपका जेड आता है। अब बात अगर पोजीशन की है तो पोजीशन कैसे, तो पोजीशन जैसे आपने कहा कि ए का पोजीशन 1 है और जेड कितने पे आता है आपका 26 पे, 26 लेटर ही तो आपके पूरे अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो 1 to 26 आपको पोजीशन भी याद रखनी है। ठीक है, आपके अल्फ़ाबेट में आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं, एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन और एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट। अगर हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन की बात करें तो कैसे याद रखना है, उसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा जो है फार्मूला बताया था, सिफ्लोरॉक्स। क्या बताया था? सिफ्लोरॉक्स बताया था, CFILOR U and X, तीन तीन के अंतराल पे अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, उसके आधार पे आप किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है क्यू की पोजीशन, मुझे निकालनी है क्यू की पोजीशन। अब अगर मुझे सिफ्लोरॉक्स याद है तो मुझे इसमें ओ भी आएगा, इस फार्मूले में आपका ओ आएगा। अब मुझे अल्फ़ाबेट का सिक्वेंस पता होना चाहिए, जो आप सबको पता रहता है कि हाँ क्यू जो है वह ओ के दो अक्षर बाद आएगा। अब अगर यहाँ पे ओ का पोजीशन मुझे उस फार्मूले से याद है कि 15 होगा, ठीक है ना, तो क्यू का मैं कैसे निकालूंगा भाई, दो लेटर बाद आएगा, 15 प्लस 2 कर देंगे 17 आ जाएगा। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप जो है हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आपको निकालने की भी, आपको फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर डायरेक्ट आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। याद कैसे करें, रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। आप क्या करिए, जितनी बार क्वेश्चन करिए उतनी बार अल्फ़ाबेट की पोजीशन को जरूर लिखें, जिससे आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन आसानी से याद हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको अल्फ़ाबेट में, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट का अपोजिट। अल्फ़ाबेट का अपोजिट कैसे हम याद रखेंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है कि किस प्रकार से आप अपोजिट याद रख सकते हैं। अपोजिट की डिफिनीशन क्या है, एक बार मैं फिर से आपको उसका रिवीजन करा देता हूँ। अल्फ़ाबेट का अगर हम अपोजिट की बात करें तो कैसे हम पहचानेंगे उसकी डिफिनीशन, कैसे हम जानेंगे कि हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर आप वहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपका अल्फ़ाबेट ए है, ठीक है ना, अब ए का, अब अगर पूरे अल्फ़ाबेट की बात करें तो 26 लेटर होते हैं। 26 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया, दो से भाग दे दिया, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका ए टू एम, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका एन टू जेड, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ए टू एन और सेकेंड पार्ट आपका एन टू जेड। अब आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट फर्स्ट पार्ट से और एक अल्फ़ाबेट सेकेंड पार्ट से आपको लेना है। ये याद रखना है, डेफिनेशन ये है कि जो दो अल्फ़ाबेट आप लेंगे उनकी पोजीशन को जब हम ऐड करेंगे तो उनका टोटल सम 27 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम यहाँ से ए लेते हैं, उधर से जेड लेते हैं, तो ए का पोजीशन 1, जेड का पोजीशन 26, तो ए का अपोजिट अगर 1 और 26 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। इसी प्रकार से अगर आप B लेते हैं तो B का पोजीशन 2, Y का पोजीशन 25, तो 2 + 25 = 27। इसी प्रकार से अगर आगे आप लेंगे तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा, X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट आपका P, L का अपोजिट आपका O और M का अपोजिट आपका N। सारे के सारे 26 लेटर हो गए। तो अपोजिट याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपोजिट के कॉन्सेप्ट पर जो है सॉल्व हो जाते हैं, और आपको जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद रखनी है। अब जैसे अल्फ़ाबेट की पोजीशन वहाँ पर आपने लगा दी, और अल्फ़ाबेट की पोजीशन से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस की क्लास को, जो है आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से आज की क्लास भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा वहां पर अल्फाबेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहां पर अल्फाबेट की पोजीशन से नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम क्या क्या रूल वहां पर लगा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन, आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन ए सर्टन वे, व्हाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के चार समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब देखिए अगर चार आपके ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें से तीन आपके क्या होंगे, एक समान होंगे। वो किस आधार पर समान है ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अगर पांच आपके ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें से चार किसी प्रकार से समान होंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल अल्फाबेट दिए गए हैं, पहले में दिया गया है एस, फिर दिया गया है क्यू, फिर टी और फिर दिया गया है जेड। अब यहाँ पर सिंगल अल्फाबेट को हम किस आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर कभी भी आपको सिंगल अल्फाबेट मिलता है, अगर आपको सिंगल अल्फाबेट मिलता है, ठीक है ना, सिंगल अल्फाबेट की अगर बात करें, कभी भी आपको सिंगल अल्फाबेट मिल जाए तो सिंगल अल्फाबेट को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है वावेल और कंसोनेंट, क्या हो सकता है, वावेल और कंसोनेंट, ठीक है ना। एक तो आपका तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि लाइन से अल्फाबेट वो बना है, कि वो अल्फाबेट जो है कर्व से बना है, ठीक है ना, कर्व से बना है, ये चीज भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो वावेल या कंसोनेंट या लाइन या कर्व, ठीक है ना, जिसमें हम सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका भाई लाइन से बनेगा वो अल्फाबेट आपको अलग दिख जाएगा। ये दो तरीके आप वहां पर लगा सकते हैं, अगर ये दो तरीके नहीं लगते तो वहां पर आप जो है अल्फाबेट की पोजिशन भी लगा सकते हैं, अल्फाबेट पोजिशन भी आप लगा सकते हैं। जब वहां पर जो है कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि चार आपको या पांच ग्रुप आपके, पांच ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उनमें से चार अल्फाबेट के जो आपका क्या है पोजीशन है वो सम है, एक किसी की विषम है, तो आप जो है इन तीन आधार पे, इन जो है तीन आधार पे जो है सिंगल अल्फाबेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका वावेल या कंसोनेंट, लाइन या कर्व और अल्फाबेट पोजीशन। अल्फाबेट पोजीशन कैसे सिंगल अल्फाबेट में लगाएंगे, या तो भाई अगर उसमें से अगर चार ऑप्शन है तो हो सकता है तीन में तीन की पोजीशन आपकी ऑड हो या तीन की पोजीशन इवन हो, किसी एक की उसमें से डिफरेंट हो। तो इस प्रकार से वहां पर आप आसानी से सिंगल अल्फाबेट को इन तीन के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम जो है इनके इस मेथड को लगाते हैं तो वावेल या कंसोनेंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पांच ही वावेल होते हैं। पांच वावेल कौन कौन से हैं, एक ई ए ई, फिर आई, फिर ओ और एक होता है यू, ये पांच आपके वावेल होते हैं, बाकी इसके अलावा सब कंसोनेंट हैं। तो आपने कहा कि इन पांचों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है, ये चारों के चारों आपके कंसोनेंट हैं, तो वावेल और कंसोनेंट का तो यहाँ पे जो है मेथड नहीं लगेगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अब जरा यहाँ पे लगाइए आप लाइन और कर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो यच और आपका टी और आपका जेड, ये तीनों अल्फाबेट आपके लाइन से मिलकर बने हैं, ये तीनों अल्फाबेट किससे मिलकर बने हैं, लाइन से मिलकर बने हैं। देखो ना, एच में आपके तीन लाइनों का प्रयोग हुआ है, जेड जो है टी में आपके दो लाइंस का प्रयोग हुआ है, जेड में भी आपके थ्री लाइंस का प्रयोग हुआ है, तो ये तीनों अल्फाबेट आपके लाइन से मिलकर बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्यू की, अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू आपका लाइन से मिलकर नहीं बना, ये आपका सर्कल से मिलकर बना है या कर्व से मिलकर बना है,
ठीक है, क्लियर है। तो इस आधार पे जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा भिन्न होगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों लाइन से मिलकर बने तो अपना एक एक ग्रुप बनाते हैं, और क्यू लाइन से मिलकर नहीं बना, उसमें कहीं भी लाइन का प्रयोग नहीं किया गया। कर्व के साथ हम यहाँ पे सर्कल भी कह सकते हैं कि सर्कल भी वहाँ पे हमें देखना है, जैसे क्यू आपका सर्कल से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, आपका क्यू जो है उनके ग्रुप से अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन, आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन अ सर्टन वे व्हाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के चार समूह दिए गए जिनमें से तीन, देखो यहाँ पे साफ लिखा होता है, जिनमें से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है ना, जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब वो तरीका क्या है, किस तरीके के आधार पे वो समान है, वो आपको निकालना है। लेकिन उनमें जो अगर चार, हमने कहा ना अगर चार ग्रुप दिए गए हैं तो तीन समान होंगे, अगर पांच ग्रुप दिए जाएंगे तो चार समान होंगे, किस आधार पे समान होंगे ये आपको निकालना है। अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पे, वावेल या कंसोनेंट के आधार पे, या जो है अल्फाबेट की रिपीटेशन के आधार पे। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया सिंगल अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट को आपको पता है किस आधार पे सॉल्व करना है, या तो आपको जो है यहाँ पे किस किस आधार पे आपको सॉल्व करना है, वावेल या कंसोनेंट के आधार पे, वावेल या कंसोनेंट के आधार पर, ठीक है ना, या फिर आपको सॉल्व करना है जो है इसको किस आधार पे, लाइन या कर्व या सर्कल के आधार पे, या सर्कल के आधार पे, ठीक है ना भाई। बहुत सारे अल्फाबेट हैं जो लाइन से मिलकर बने हैं, कुछ कर्व से मिलकर बने होंगे, कुछ जो है आपके जो है सर्कल से मिलकर बने होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक तीसरा, अगर ये दोनों नहीं लगेंगे तो फिर हम जो है करेंगे यहाँ पे अल्फाबेट पोजिशन, किसकी बात करेंगे, अल्फाबेट पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है ना, अल्फाबेट पोजीशन। तो उसमें ऑड या इवन के आधार पे जो है हम यहाँ पर अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पे सिंगल अल्फाबेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, ए ओ यू और वाई। अगर हम लाइन या कर्व की बात करें या सर्कल की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पे दो अल्फाबेट तो लाइन से मिलकर बने हैं, एक ए एक वाई, ठीक है ना। लेकिन O और U ये दोनों आपके जो है सर्कल और कर्व से मिलके बने हैं, तो आप बताओ यहाँ पे क्या ये रूल लग सकता है, क्या बताइए, क्या यहाँ पर ये रूल लग सकता है। आपने कहा नहीं, यहाँ पे ये रूल तो नहीं लगेगा, ये रूल तो आपका नहीं लगेगा। अगर हम फर्स्ट रूल लगाएं वावेल और कंसोनेंट, तो आप कहेंगे बिल्कुल वावेल कितने होते हैं आपके, पाँच, ए ई आई ओ एंड यू। आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन वावेल यूज हुए हैं, कौन कौन से, एक आपका ए है, ए फिर आपका ओ और यू, ये आपके तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके वावेल हैं, इसलिए अपना एक ही एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन वाई आपका क्या है, तो वाई आपका कंसोनेंट है, वाई आपका कंसोनेंट है, इसलिए वह इनके ग्रुप से क्या है, अलग है। चूंकि ए ओ यू ये आपके वावेल हैं, इसलिए ये तीनों आपस में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वाई जो है कंसोनेंट है, इसलिए वह उनके ग्रुप में नहीं आता, वह उनसे अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चूंकि आपको डिफरेंट ही तो चुनना होता है, जो उनसे अलग है उसी को तो चुनना होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइव ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन। देखो अब पांच ग्रुप आपके दिए गए हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ विच फोर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे व्हाइल वन इज डिफरेंट। देखो चार किसी प्रकार से समान है, फोर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे व्हाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के पांच समूह दिए गए जिनमें से चार एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है ना, जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब पांच जब ग्रुप दिए जाएंगे तो कितने समान हो गए, चार समान हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो किस आधार पे समान है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ई पी क्यू डी यू टी यू एम ओ और एफ जी।
अब इसमें से कौन सा डिफरेंट है? तो जब आपके जो है इसमें अल्फाबेट वन से अधिक दिए गए हैं, जैसे वहां पर सिंगल अल्फाबेट आया था, अब सिंगल अल्फाबेट नहीं, अब दो दो के ग्रुप में अल्फाबेट दिए गए हैं, तो इनको आप सॉल्व करेंगे अल्फाबेट की पोजीशन से, इनको आप सॉल्व करेंगे अल्फाबेट पोजीशन से, किससे सॉल्व करेंगे? अल्फाबेट पोजीशन से, ठीक है ना। यहां पर भी आप जो है वॉवेल और कंसोनेंट लगाएंगे, लेकिन सबसे पहला मेथड आप लगाएंगे जो है अल्फाबेट पोजीशंस, ठीक है, उनके बीच डिफरेंस देखेंगे कितने का। जैसे अगर आप यहां पे अल्फाबेट की पोजीशन की बात करते हैं, देखो एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूं अल्फाबेट पोजीशन की, जैसे ए है, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये क्या हो गया? जेड, ठीक है ना। अगर हम पोजीशन की बात करें, देखो सीक्वेंस में तो ए की पोजीशन 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये पोजीशन आपको लर्न करना है, ये पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनको याद रखने का एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने आपको बताया भी था अभी अभी, क्या फार्मूला का नाम है? सिफ्लोर रॉक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एंड एक्स। अगर नहीं बताया तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिफ्लोर रॉक्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से हर एक अल्फाबेट के पोजीशन को निकाल सकते हैं। सिफ्लोर रॉक्स जो लिया गया वो तीन तीन के अंतराल पर लिया गया है, सी का पोजीशन 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ 15, आर 18, यू 21 एंड एक्स 24। हर एक के बीच दो दो अल्फाबेट आपके छोड़ दिए गए हैं, लास्ट में आपको वाई जेड याद रहता है, शुरुआत में आपको ए और बी याद रहता है। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से हर एक अल्फाबेट की पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये पोजीशन हमें लर्न है तो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि जब भी आप करें सबसे पहले स्टार्टिंग करें अल्फाबेट की पोजीशन से। जैसे अगर यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है डी ई, अगर आप डी ई की बात करते हैं, देखो डी ई तो डी की पोजीशन 4, ई की पोजीशन 5, ये लगातार अल्फाबेट लिए गए। फिर आपने कहा पी क्यू, पी क्यू, आपने कहा पी की पोजीशन 16, क्यू की पोजीशन 15, फिर आपका लिया गया टी यू, क्या लिया गया? टी यू, टी की आपकी 20, यू की 21, ठीक है ना। फिर आपका ले लिया गया एम ओ, क्या ले लिया गया? एम ओ, एम की पोजीशन 13, ओ की पोजीशन 15, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या ले लिया गया आपका जो है, ले लिया गया जो है पी क्यू, अच्छा एक मिनट, क्यू की 17 होती है ना, 15 नहीं होती, क्यू की पोजीशन 17 होती है, ठीक है ना। फिर आपका क्या ले लिया गया? एफ जी, तो आपने कहा एफ जी, तो एफ की पोजीशन आपकी जो है 6 और जी की पोजीशन 7। और देखिए, जैसे ही आपने पोजीशन लिखी आपको तुरंत एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे हर जगह भाई 4 प्लस 1 5, 16 प्लस 1 17, 20 प्लस 1 21, 13 प्लस 2 15, 6 प्लस 1 7। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी सब में 1 1 प्लस हो रहा है, बाकी सब लगातार लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एम के एक लेटर छोड़ के ओ लिया गया है, इसीलिए आपका एम ओ जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्लियर है। तो अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी भी ग्रुप में आपके अल्फाबेट आते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग आपको अल्फाबेट पोजीशन से ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अगला देखिए दिया है आपका जो है ऑप्शन में एक्स डब्ल्यू, एफ जी, एम एल, पी ओ और टी एस। तो पांच आपके समूह दिए गए हैं, पांच में से चार आपके समान हैं किसी आधार पर,
निश्चित तरीके पर, मतलब उन चारों में एक समानता है, लेकिन वो पांचवा ऐसा है जो कि इनमें से भिन्न है, वो आपको निकालना है। अब जैसे यहां पर आपने कहा एक्स डब्ल्यू दिया गया है, आपने जो है यहां पे पोजीशन लिखी, तो यक्स और डब्ल्यू, तो देखो यक्स की पोजीशन 24, यक्स डब्ल्यू की पोजीशन 23, इसी प्रकार से एफ जी, एफ जी तो एफ की पोजीशन आपकी 6, जी की पोजीशन आपकी 7, फिर है आपका एम एल, फिर क्या है आपका एम एल, एम की पोजीशन 13, एल की पोजीशन 12, फिर आपका दिया गया है पी ओ, तो आपने कहा पी की पोजीशन 16 और ओ की पोजीशन 15, फिर दिया गया आपका टी एस, तो टी की पोजीशन आपकी 20 और एस की पोजीशन आपकी 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24, 23, यहाँ पे 1 का क्या है डिफरेंस है, 6 यहाँ पे प्लस का 1 है, 13 माइनस का 1 है, 16 माइनस का 1 है, 20 और 19 यहाँ भी माइनस का 1 है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सब में जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से एक कम है, लेकिन जो आपका जो है एम एल दिया गया है, ठीक है ना, सॉरी क्या दिया गया है, एफ जी दिया गया है, वहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से एक ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी सब में क्या है, जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से एक कम है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा है, और इसीलिए ये जो है इनके ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, एफ जी जो है इनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा हम जो है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बस ये कि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न करना है, लर्न होनी चाहिए, अगर लर्न है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए, अगर याद है तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने आपको फार्मूला बताया सिक्लोरॉक्स CFILORUX, उसके माध्यम से आप अल्फाबेट की पोजीशन निकाल भी सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन ए सर्टन वे वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ऑड 1, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग विषम का चयन कीजिए। पहला दिया गया आपका जी ई, दूसरा दिया गया है एम के, तीसरा दिया गया है डब्ल्यू यू और चौथा दिया गया है क्यू एन। तो आपको बताना इनमें कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो जैसे ही आपने कहा यहाँ पे ग्रुप में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप, अल्फ़ाबेट की पोजीशन से और उनके बीच डिफरेंस। जैसे आपने यहाँ पे देखा जी ई, जी और फिर दिया गया है ई, तो जी का पोजीशन 7, ई का पोजीशन 5। देखिए जैसे ही आप पोजीशन लिखते हैं आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या मेथड लगेगा। अगर आप अल्फ़ाबेट के भरोसे रहें तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितने अल्फ़ाबेट छोड़ना पड़ेगा, जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा या आगे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे नंबर उसका पोजीशन लिख देते हैं तुरंत आपको क्लियर होता है कि वहाँ पे प्लस करना है कितना, कितना माइनस करना है, जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में आपको बिल्कुल भी वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जी ई हमने लिख दिया, फिर दिया है एम के, फिर क्या दिया है एम और फिर दिया है के, एम का पोजिशन 13, के का पोजिशन 11, ठीक है, फिर दिया है डब्ल्यू यू, तो W का पोजीशन 23, U का पोजीशन 21, फिर क्या दिया है QN, फिर क्या दिया है QN, ठीक है ना, तो Q का पोजीशन 17, N का पोजीशन 14, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा शुरुआत में सबसे पहले आप कौन सा मेथड लगाएंगे, अल्फाबेट पोजीशन का सबसे पहले आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 2, ठीक है ना भाई, फर्स्ट लेटर का आपका पोजीशन कितना 7 है, सेकंड का 5 है, माइनस का 2, यहाँ फर्स्ट का 13, सेकंड का 11, यहाँ भी माइनस का 2, फर्स्ट का 23,
सेकेंड का 21, यहाँ भी माइनस का 2, 17 और 14 यहाँ माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपने अल्फाबेट की पोजीशन को लिख दिया, हर एक चीज आपकी अपने आप क्लियर हो गई, हर एक चीज क्लियर हो गई, आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप अल्फाबेट के आधार पे करेंगे तो वहां पे आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं और टाइम भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। आपको पता है कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, हमें टाइम ही तो बचाना है, ठीक है। कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने के साथ साथ हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है कि हमारा वो क्वेश्चन का आंसर सही भी हो, क्लियर। तो यहां पे देखिए जैसे ही आपने अल्फाबेट की पोजीशन लिखी, हर एक चीज सामने आपकी क्लियर हो गई और तुरंत आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पे देखो माइनस को 2 माइनस 2 माइनस 2, लेकिन यहां पे देखो माइनस का 3 हो रहा है और इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्यू एन जो है बाकी सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पे माइनस का 3 हो रहा था, बाकी सब में माइनस का 2 हो रहा था। तो आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब आपको 5 समूह दिए गए हैं तो 5 में से 4 किसी प्रकार से समान होंगे, एक आपको भिन्न निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, बी डी, फिर दिया गया है एच के, फिर दिया गया है एम पी, फिर दिया गया है एन क्यू और पांचवा दिया गया है टी डब्ल्यू। तो जैसे आपने यहां पे कहा बी डी, तो देखो बी डी अगर हम बात करें तो बी की पोजीशन 2 और डी की पोजीशन 4, बी की पोजीशन 2 और डी की पोजीशन 4, फिर दिया गया है एच के, फिर क्या दिया गया है एच के, तो एच की पोजीशन आपकी 8 और के की पोजीशन आपकी 11, फिर दिया गया है एम पी, क्या दिया गया है एम पी दिया गया है, तो एम की पोजीशन 13 और पी की पोजीशन 16, फिर दिया गया है एन क्यू, क्या दिया गया है एन क्यू दिया गया है, तो एन की पोजीशन 14 और क्यू की पोजीशन 17, लास्ट में आपका दिया गया है टी डब्ल्यू, क्या दिया गया है टी डब्ल्यू, तो आपने कहा टी की पोजीशन 20 और डब्ल्यू की पोजीशन 23, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखें पोजीशन तो आपने लिख ली, जैसे ही पोजीशन लिखी आपके सारे राज निकल के बाहर आ गए, तुरंत आपने कहा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो हर क्वेश्चन को आप पोजीशन से करें, हाँ अगर पोजीशन का मेथड ना लगे तो कुछ और सोचना है, तब फिर वाबेल कंसोनेंट की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में वाबेल कंसोनेंट की बात ना करिए, सबसे पहले आप वहां पर जो है पोजीशन की बात करें। अब जैसे यहां पर देखिए आपने पोजीशन लिखा, तुरंत आपको समझ में आ गया, देखो यहां पे क्या है 2 + 2 = 4, 8 + 3 = 11, 13 + 3 = 16, 14 + 3 आपका 17, 20 + 3 = 23। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले में दोनों अल्फाबेट के बीच 2 का डिफरेंस है, लेकिन बाकी सब में 3-3 का डिफरेंस है और इसीलिए जो है वो है बाकी सबसे अलग है, क्योंकि वो चारों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि उन सब उन चारों में जो है क्या है 3-3 का डिफरेंस है और जो फर्स्ट है आपका बी डी वह उनके ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि उसमें डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। यहां पे दिया गया है आपका ए ई, ए आई, आई ओ, ई आई, ओ यू। अब अगर हम यहां पे इनके बीच, अब देखो आपको पता है सारे वॉवेल लिखे हैं, ये सारे वॉवेल हैं, ठीक है ना, वॉवेल से मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है। अब अगर हम यहां पर भी जो है पहले अल्फाबेट की पोजीशन की बात करते हैं, अगर देखो ए की पोजीशन 1, ई की पोजीशन 5, ए की 1, ई की पोजीशन 5, ए फिर दिया गया है आई, तो आपने कहा ए की पोजीशन 1, आई की पोजीशन 9, फिर है आपका आई ओ, तो आपने कहा आई की पोजीशन 9, ओ की पोजीशन 15, फिर है ई आई, ई आई, E की पोजीशन 5 और I की पोजीशन 9।
अब देखो यहां पे 1 + 4 = 5 हो जाएगा, 1 + 8 = 9 हो जाएगा, 9 + 6 आपका 15 हो जाएगा, 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लास्ट हम करते हैं O से U, तो आप देखेंगे O की पोजीशन 15 और U की पोजीशन 21, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। क्या किन्हीं भी चार के बीच क्या जो है उनका डिफरेंस जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या समान है क्या? आपने कहा नहीं, उनके बीच जो है डिफरेंस बराबर नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन अब डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन फिर हमारा डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। भाई कम से कम अगर चार के बीच डिफरेंस बराबर होता तो पांचवा हम बताते कि ये भिन्न होगा, ठीक है ना, किन्हीं चार में से। लेकिन यहाँ पे सब में डिफरेंस अलग अलग है, तो फिर ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो वावेल से ही मिलकर बना है। आपकी अगर सीक्वेंस की बात करें तो वावेल का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले ए आता है, ए के बाद आपका ई आता है, ई के बाद आपका आई आता है, आई के बाद आपका ओ आता है, और सबसे लास्ट में आपका वावेल यू आता है। अगर आप इस सीक्वेंस की बात करें देखो, तो पहले में ले लिया गया ए, फिर ले लिया गया ई, तो ए के बाद देखो ई लिया गया, पहले में क्या लिया गया ए ई, तो आपने कहा बिल्कुल ए के बाद कौन सा वावेल आता है, ई। फिर अगर दूसरे की बात करें, दूसरे को छोड़ दे, अगर तीसरे की बात करें तो आई के बाद कौन सा वावेल आएगा, ओ आएगा। चौथे की बात करें तो ई के बाद क्या आएगा, कौन सा वावेल आएगा आपका, आई आएगा, ठीक है ना। पांचवें की बात करें तो ओ के बाद कौन सा वावेल आएगा, यू आएगा। लेकिन अगर आप सेकंड की बात करते हैं ए से आई वाले में, तो इसमें एक अल्फा एक वावेल कौन सा बीच में छोड़ दिया गया है, ई। इसमें एक वावेल बीच में छोड़ दिया गया है, ई, क्योंकि डायरेक्ट ए के बाद आई ले लिया गया। और इसीलिए बाकी सब में देखो सर ऑप्शन में क्या है, जो ए के बाद ई आपका वावेल आता है वहां पे लिया गया, आई के बाद ओ आता है लिया गया, ई के बाद आई आता है तो लिया गया, ओ के बाद यू आता है तो लिया गया। लेकिन इस ऑप्शन में बीच में एक वावेल इनके बीच क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और इसीलिए बाकी ये सबसे अलग हैं। बाकी जो है चारों ग्रुप बनाते हैं लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ए आई आपका उन चारों से क्या है, डिफरेंट है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। क्या क्या दिया गया है, डी डब्ल्यू एच एस एम एन जी टी के ओ, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं पोजिशन की, अगर हम बात करें पोजीशन की तो डी से क्या दिया गया है, डब्ल्यू, डी की पोजीशन 4, डब्ल्यू की पोजीशन 23, क्लियर, ठीक है ना। एच एस एच एस एच की पोजीशन 8, एस की पोजीशन 19, ठीक है। एम एन एम एन एम की पोजीशन 13 और एन की पोजीशन 14। फिर क्या दिया गया है, जी टी जी टी जी की पोजीशन 7 और टी की पोजीशन 20, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो क्या दिया गया है, के ओ के ओ, तो देखिए के की पोजीशन कितनी है आपकी, 11 और ओ की पोजीशन 15, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखें तो 4 से 23, अब आपने कहा काफी लंबा डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर हम यहां पे देखें तो 8 से 19 कितने का डिफरेंस है आपका, जो है यहां पे 9 और 8 17, 10 और 8 11 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहां पे 11 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का है, तो आपने कहा यहां पे 19 का डिफरेंस है, यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पे 13 का डिफरेंस है और यहां पे 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखिए क्या 3 4 में किसी में डिफरेंस बराबर है क्या, क्या किसी 4 में डिफरेंस बराबर है क्या, तो आपने कहा नहीं डिफरेंस बराबर नहीं। लेकिन यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप मैंने बताया था 2 कॉन्सेप्ट आपको यहां पे याद रखने हैं, एक अल्फाबेट का जो है अल्फाबेट की पोजिशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको सॉरी अल्फाबेट की पोजिशन, याद रखना है अल्फाबेट की पोजीशन और अल्फाबेट का अपोजिट, ठीक है ना। अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना है और अल्फाबेट का अपोजिट,
अपोजिट कैसे पहचानेंगे, दोनों जो अल्फाबेट लिखे हैं उनकी पोजीशन को यदि हम सम करते हैं तो टोटल उनका एडिशन आपका 27 होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पे देखें, अगर इनके बीच डिफरेंस को छोड़ दें तो आपको तुरंत एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पे जितने अल्फाबेट लिखे हैं, देखो अगर हम फर्स्ट लेते हैं, जैसे फर्स्ट में 4 और 23 है, तो 4 प्लस 23 कितना हो जाएगा 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। अगर यहां पे देखें 8 प्लस 19, तो ये भी तो आपका अपोजिट है, 27 हो रहा है। इसी प्रकार से MN यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप यहां पे देखते हैं तो 7 प्लस 20 ये भी हो रहा है 27, अर्थात ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो K का अपोजिट P होता है, क्योंकि K का अपोजिट K का आपका 11 और P का 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, जबकि यहां पे अगर आप देखें तो 11 प्लस 15 ये कितना हो रहा है 26 हो रहा है, जबकि 27 होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये इनके ग्रुप से क्या है आपका अलग है, ये इनके ग्रुप से डिफरेंट है, तो आपका के ओ सही आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका जो है अलग होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में क्या लिखे हैं, अपोजिट लिखे हैं, ठीक है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी और एल का ओ और एम का एन होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे हाँ एक चीज आपको याद रखना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अब एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप वहां आप जैसे ही देखो कि हाँ आपको पोजीशन याद है, आपको पोजीशन याद है, आपको चीजें याद हैं, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि हाँ के ओ इसका होगा, क्योंकि आपको सारे अपोजिट याद हैं, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, आपको सारे याद हैं, आप तुरंत देखते ही आंसर देंगे सर इसका आंसर के ओ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए आंसर क्या होगा भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया, वी टी, एम क्यू, पी आर, डी एफ एंड एफ जी। तो आप अगर यहाँ पे पोजीशन की बात करते हैं तो वी टी, देखो वी फिर दिया गया है टी, तो वी का पोजीशन 22 और टी का पोजीशन 20। इसके बाद दिया गया है एम क्यू, क्या दिया गया है एम क्यू, तो आपने कहा एम का पोजीशन 13 और क्यू का पोजीशन 17। फिर दिया गया है पी आर, क्या दिया गया है पी आर, पी का पोजीशन 16, आर का पोजीशन 18, ठीक है ना। फिर क्या दिया गया है डी एफ, क्या दिया गया है आपका डी एफ, डी की पोजीशन 4 और एफ की पोजीशन 6, क्लियर। और लास्ट में दिया गया आपका एफ जी, क्या दिया गया है एफ जी, तो एफ की पोजीशन 6 और जी की पोजीशन 7, ठीक है। अब जरा देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका माइनस का 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका प्लस 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी प्लस 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस 1 का डिफरेंस है। क्या अगर इसमें भी अगर 2 का डिफरेंस हो जाता तो एक बार हम कह सकते थे इन सब में 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बात हमारी बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो है 2 में अलग अलग डिफरेंस है, एक में 4 एक में 1, तो अब ये बात डिफरेंस से नहीं बनने वाली, ठीक है ना। अगर डिफरेंस से बनती भाई, अगर इन चारों में अगर 2-2 का भी डिफरेंस होता तो हम एक बार कहते कि इन चारों में 2-2 का डिफरेंस है, इसलिए ग्रुप बनाते हैं, ये उनसे अलग है, इसमें 2 हो जाते तो ये अलग हो जाता। लेकिन अब इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है तो ये बात अब डिफरेंस से नहीं बनेगी। तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, फिर हम क्या लगा सकते हैं, अगर आप जो है इनकी पोजीशन को आपस में ऐड कर दें, अगर इनकी पोजीशन को आपस में ऐड कर दें, जैसे अगर हम यहां पर जो है वावेल या कंसोनेंट का रूल लगाएं तो क्या लग सकता है, क्या क्या वावेल या कंसोनेंट का अगर रूल लगाएं, अगर भाई हम नहीं जोड़ते इनकी पोजीशन को, अगर हम वावेल या कंसोनेंट लगाएं तो क्या लग सकता है। आपने कहा नहीं, सारे के सारे कंसोनेंट है, कोई वावेल है ही नहीं, तो वावेल कंसोनेंट का रूल तो यहां पे लगेगा नहीं। अब यहां पे अगर हम
इनकी पोजीशन को आपस में ऐड कर दें। जैसे अगर आप यहां पे देखें, अगर आप 22 और 20 को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 42, कितना आ जाएगा 42। अगर आप 13 और 17 को आपस में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 30। अगर आप 16 और 18 आपस में ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 34। अगर आप 4 और 6 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10। अगर आप 6 और 7 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। तो आप देख पा रहे हैं कि इन चारों के अगर हम पोजीशन को आपस में ऐड करते हैं तो इनका जो एडिशन है वो क्या है, आपका सम है। देखो 42 सम है, 30 सम है, 34 सम है, 10 सम है, ठीक है ना। लेकिन 13 आपका एक बीसा में एक ऑड नंबर है, बाकी सब में जो है उनकी पोजीशन को ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, लेकिन यहां पर इसकी पोजीशन को ऐड करने पे आपका एक ऑड नंबर आ रहा है, और इसीलिए जो है यह उनके ग्रुप से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। क्योंकि उन वो चारों आपस में ग्रुप बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि उनकी पोजीशन, उन चारों की पोजीशन को अगर हम सम करते हैं तो उनका सम जो है ऑड इवन आ रहा है, लेकिन इसका आपका ऑड आ रहा है, इसलिए उनके ग्रुप से भिन्न है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पहले आपने डिफरेंस लगाया, जब डिफरेंस से बात नहीं बनेगी तो आपने क्या देखा, ऑड सॉरी वावेल या जो है कंसोनेंट देखा, जब वहां से ही बात नहीं बनी तो फिर आपने क्या किया जो है अल्फाबेट की पोजीशन को आपस में ऐड कर दिया। तो यहां पर जो है देखो चारों का एडिशन सम हो गया, लेकिन इसका एडिशन आपका क्या है, बीसम, इसलिए वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। क्या क्या दिया गया है, देखो दिया गया है बी सी डी, फिर दिया गया है एन पी आर, फिर दिया गया है के एल एम, फिर दिया गया है आर क्यू पी, और फिर दिया गया है एच जी एफ। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसको करेंगे जो है अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पर अगर आप करते हैं तो यहां पर देखिए बी सी डी दिया गया है, बी फिर सी और फिर डी। तो अगर आप बात करें तो बी की पोजीशन 2, सी की 3 और डी की पोजीशन 4। फिर दिया गया है एन पी आर, एन पी एंड आर, ठीक है ना। तो एन की पोजीशन 14, पी की पोजीशन 16 और आर की पोजीशन 18। फिर दिया गया है के एल एम, क्या दिया गया है के एल एंड एम, ठीक है ना। तो K की पोजीशन 11, L की पोजीशन 12 और M की पोजीशन 13। फिर दिया गया है R, Q, P, क्या दिया गया R, Q एंड P। तो R की पोजीशन आपकी 18, Q की पोजीशन 17 एंड P की पोजीशन आपकी 16, क्लियर। फिर देखिए दिया गया H, G, F, क्या दिया गया है H, G एंड F। तो देखो यहाँ पे H की पोजीशन 8, जी की आपकी 7 एंड एफ की पोजीशन आपकी 6, क्लियर है। अब यहां पे अगर हम देखें, अगर हम पोजीशन के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पे जरा देखें आपका जो है 2+1 3, 3+1 4, 14+2 16, 16+2 18। तो जैसे ही आप पोजीशन रखते हैं सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर भी प्लस का वन, यहां पे आपका क्या है माइनस का वन, यहां पे क्या है आपका माइनस का वन एंड माइनस वन। अब जैसे यहां पे आप देखें कि सर दो में तो प्लस का आपका वन है भाई, इसमें और इसमें प्लस का वन है, इसमें माइनस का वन है, इन दोनों में, यहां पे दोनों में क्या है प्लस का आपका क्या है 2 है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इन चारों में 1 का डिफरेंस है ना, इन चारों में, इसमें 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 और इसमें, इन चारों में 1 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसलिए जो है यह इनके ग्रुप से अलग है भाई। उन चारों में डिफरेंस एक में, दो में प्लस का, दो में माइनस का तो है, लेकिन है तो 1 का है, तो उनके उनके बीच 1 का डिफरेंस, इसलिए जो है यहां पर क्या हो जाएगा आपका
NPR आपका डिफरेंट हो जाएगा, वह उनके ग्रुप से अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है ना। किस आधार पे? देखो भाई कि यहां पे जब आपने देखा कि इन चारों में देखो वन का डिफरेंस है, बात वो अलग है कि उस दो में जो है प्लस का है, दो में माइनस का है, लेकिन है तो वन का, और इसमें कितने का है? इसमें भाई डायरेक्टली दो का हो गया, इसीलिए वो उनके ग्रुप में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है दो का डिफरेंस है, इसलिए वह इनके ग्रुप से अलग है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, एनपीआर अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के पांच समूह दिए गए हैं, जिनमें से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं, जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है ए बी डी, एफ जी आई, एल एम ओ, एस टी यू, डब्ल्यू एक्स और जेड। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, जो है अल्फाबेट की पोजीशन से। तो दिया गया है ए बी एंड डी, ठीक है ना। तो ए की पोजीशन वन, बी की टू और डी की पोजीशन फोर। फिर दिया गया है एफ जी आई, एफ, फिर दिया गया है जी और फिर दिया गया है आई, ठीक है। एफ की पोजीशन सिक्स, जी की सेवन एंड आई की नाइन, ठीक है। एल एम ओ, एल एम और फिर दिया गया है ओ। एल की पोजीशन ट्वेल्व, एम थर्टीन और ओ है आपका फिफ्टीन, क्लियर। फिर दिया गया है एस टी यू, एस टी एंड यू। एस की पोजीशन 19, टी की पोजीशन 20, यू की पोजीशन 21 और लास्ट में दिया गया है डब्ल्यू एक्स जेड। क्या दिया गया है? डब्ल्यू एक्स एंड जेड। तो डब्ल्यू की पोजीशन 23, एक्स की पोजीशन 24 और जेड की पोजीशन 26, ठीक है। आपने पोजीशन लिख दिया। अब जरा बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। अब देखें यहाँ पे पहले में देखो जरा, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू आपका फोर, क्लियर। सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस का टू नाइन, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, थर्टीन प्लस का टू फिफ्टीन, नाइनटीन प्लस का वन ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन आपका ट्वेंटी वन, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस का 2 26। तो अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में प्लस का 1 प्लस का 2 है सब में, लेकिन यहाँ पे जो है आपका प्लस का 1 है और इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से क्या है? अलग है। भाई बाकी सब में आपका प्लस का 1 प्लस का 2 है, लेकिन यहाँ पे आपका प्लस का 1 और प्लस का 1 ही है, इसलिए जो है यह इनके इन चारों से क्या है? अलग है। बाकी वो चारों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यह जो है उनके ग्रुप में नहीं आता, यह उनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा अलग हो जाएगा? आपका जो है एस टी यू, ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। एस टी यू जो है ये आपका उनके ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजिशन के द्वारा बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बस आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अभी अगर आप मेरे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारे अल्फाबेट की पोजीशन लर्न हो गई, क्योंकि देखो मैं आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन लिखकर बता रहा हूं। जितनी बार हमने क्वेश्चन किया उतनी बार हमने अल्फाबेट की पोजीशन लिखा। अब आप मुझे बताइए, अगर एस की पोजीशन आपने 10 बार 19 लिख लिया तो आपको एस की पोजीशन क्या याद नहीं होगी? बिल्कुल याद हो जाएगी। अगर आपने जो है क्यू की पोजीशन 17 10 बार लिख लिया तो क्यू की पोजीशन 17 आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अपोजिट याद रहेंगे, ए का अपोजिट वाई जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स। कैसे पहचानना है? दोनों अल्फाबेट के जो पोजीशन उनको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल सम 27 होना चाहिए, उस आधार पे आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के पांच समूह दिए गए हैं, जिनमें से चार एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है एच जी एफ, एक्स डब्ल्यू वी, एन एम एल और ओ पी क्यू और यू टी एस।
ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है अल्फ़ाबेट के पोजीशन की। तो देखो यहाँ पे H, फिर दिया गया है G, फिर दिया गया है आपका F, क्लियर। H की पोजीशन 8, G की 7, F की 6। फिर देखो क्या दिया गया है, X, XW, X की पोजीशन 24, W की पोजीशन 23, V की पोजीशन 22। फिर दिया गया है NML, N, फिर आपका M, और फिर दिया गया है L, N की पोजीशन 14, M की पोजीशन 13 एंड L की पोजीशन 12। फिर दिया गया OPQ, O की पोजीशन आपकी जो है 15, P की पोजीशन 16 एंड Q की पोजीशन 17। फिर दिया गया है UTS, U, फिर आपका T, और फिर दिया गया है आपका S। तो U की पोजीशन 21, T की पोजीशन 20 एंड S की पोजीशन 19, क्लियर। अब जरा यहाँ पर देखिए इनके बीच डिफरेंस, अगर हम इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो 8-1 7, 7-1 6, 24-1 23, 23-1 22, 14-1 13, 13-1 12। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पर हम कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आप वहां पे पोजीशन यदि आपको लर्न है, अगर नहीं भी लर्न है तो अभी तक आपको काफी अल्फाबेट की पोजीशन लर्न हो गई। तो अब यहां पर देखिए माइनस का वन, यहां भी क्या है, यहां प्लस का वन, यहां भी प्लस का वन है, यहां भी देखो माइनस का वन, 21-1 20, 20-1 19। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन को छोड़कर अगर हम यहां पे ओ पी क्यू को छोड़ दें तो बाकी सब में माइनस वन का डिफरेंस है, बाकी सब में माइनस वन का डिफरेंस है, लेकिन यहां पे प्लस वन का डिफरेंस है, और इसीलिए जो है आपका ओ पी क्यू आपका इन सब से अलग है, क्योंकि वो बाकी चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब में माइनस का वन है, ये उनके ग्रुप से अलग है क्योंकि यहां पे इनके बीच में प्लस का वन हो रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है ACE, दूसरे में दिया गया है PRT, तीसरे में दिया गया है UWY, चौथे में दिया गया है MNO और पांचवे में दिया गया है GIK। तो अब अगर हम इनकी पोजीशन को सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ACE, A, फिर है आपका C और फिर है आपका E। तो A की पोजीशन 1, C की 3 और E की पोजीशन 5, क्लियर। फिर है PRT, P, R एंड T। तो आप देखेंगे P की पोजीशन आपकी 16, R की पोजीशन 18 एंड T की पोजीशन 20। फिर है UWY, U की पोजीशन 21, W की 23 एंड Y की 25। फिर आपका MNO, M, फिर है N और फिर है आपका O, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो M की पोजीशन 13, N की 14 एंड O की पोजीशन 15। फिर है GIK, G, I एंड K। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है GIK क्या दिया गया है आपका, GIK, तो G की पोजीशन 7, I की 9 एंड K की 11, क्लियर। अब यहाँ पे जरा देखिए 1+2 3, 3+2 5, 16-2 18, सॉरी माइनस टू नहीं प्लस का टू, 16+2 18, ठीक है ना, 16+2 18, 18+2 20, 21+2 23, 23+2 25, 13+1 14, 14+1 15। अगर यहाँ पे देखें तो 7+2 9, 9+2 आपका 11।
तो अगर आप यहां पर देखें तो केवल इस ऑप्शन को छोड़ करके, एम एन ओ को छोड़ करके, बाकी सब में प्लस का टू हो रहा है। बाकी जितने भी आपके अल्फाबेट दिए गए उनके बीच में दो दो का डिफरेंस है, जबकि यहां पर इनके बीच केवल एक एक का डिफरेंस है, और इसीलिए जो है यह उनके ग्रुप से अलग है, क्योंकि बाकी उन सब में भाई ए दो दो का डिफरेंस है, तो वो अपने आप में एक क्या बनाते हैं जो है वहां पर जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वन का डिफरेंस है इसलिए यह उनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एम एन ओ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट की पोजीशन वाला रूल ही लगाना है, जैसे यहाँ पे बहुत लोग आंसर बी भी दे देंगे, पी आर टी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या सोचेंगे, इन सब में वावेल है कहीं ना कहीं, तो कोई यहां भी वावेल है, यहां भी वावेल है, यहां भी वावेल है, यहां भी वावेल है, यहां पे तो कोई वावेल है ही नहीं, लेकिन आपको पहले ये रूल नहीं लगाना, ठीक है ना। पहले आपको लगाना है अल्फाबेट की पोजिशन। हाँ, अगर ये रूल नहीं लगता, इसमें जो है कहीं प्रॉब्लम आती, तो फिर आप आंसर देते पी आर टी, तब आप वहां पर कहते कि पी आर टी में कोई वावेल नहीं है, बाकी सब में वावेल है, लेकिन पहले इस रूल को मत लगाइए, ठीक है, नहीं तो आप आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के पांच समूह दिए गए, जिनमें से चार एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया आपका आर टी डब्ल्यू क्यू ओ एम आई के जी आई के एम बी डी ई। अगर हम पोजीशन की बात करें यहां पे देखो, तो आर टी डब्ल्यू क्या दिया गया है, आर टी एंड डब्ल्यू। अब यहां पे अगर देखें तो आर आपका 18, टी आपका 20 एंड डब्ल्यू आपका 23। फिर है क्यू ओ एम, फिर क्या है क्यू, फिर आपका ओ और फिर है आपका एम। तो क्यू है आपका 17, ओ है आपका 15 एंड एम है आपका 13। फिर है आई के जे, आई के जी है, आई के जी, तो आई है आपका 9, के है आपका 11, जी है आपका 7। फिर आपका आई के एम, आई फिर है के और फिर है एम, तो आई है आपका 9, के 11, एम 13। फिर है बी डी ई, बी फिर है आपका डी, फिर है आपका ई, तो बी है आपका 2, डी है 4 और ई है आपका 5। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं इनके बीच में, तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, 17 प्लस का 2 15, 15 माइनस का 2 13, ठीक है ना, 9 प्लस का 2 11, 11 माइनस का 4 आपका जो है 7। अब देखो अगर आप इन तीनों में देखें तो तीनों में किन्हीं दो के बीच भी डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ प्लस 2 प्लस 3, यहाँ प्लस 2 माइनस 2, यहाँ प्लस 2 माइनस 4, यहाँ पे देखो क्या है प्लस का 2, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, ठीक है। तो क्या किन्हीं भी तीन के बीच डिफरेंस बराबर है क्या, तो आपने कहा नहीं, तो अब हमें चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस अब ये बात नहीं बनेगी भाई, किन्हीं तीन के बीच डिफरेंस अगर बराबर होता या दो के बीच बराबर होता तो हम कहते चलो चौथे को हम चेक कर लेते हैं, तो अब ये बात जो है डिफरेंस से नहीं बनने वाली। तो अब हम किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं जो है यहां पे वावेल और कंसोनेंट की जरा बात कर ले। वावेल और कंसोनेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है क्यू ओ एम में भी आपका वावेल है, आई के जी में भी आपका एक वावेल है, इसी प्रकार से आई के एम में भी एक वावेल है और बी डी ई में भी एक वावेल है। यहाँ इन चारों में, यहाँ इन चारों में आपके जो है इन चारों में वावेल हैं, इन चारों में आपके वावेल हैं, इन चारों में आपके वावेल हैं, ठीक है ना। लेकिन पी आपका जो है आर टी डब्ल्यू, आर टी डब्ल्यू में वावेल नहीं है, आर टी डब्ल्यू में वावेल नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से अलग है, इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से क्या है अलग है, क्योंकि उन चारों में कहीं ना कहीं भाई देखो सब में वावेल है,
एक एक सब में वावेल है, लेकिन आर टी डब्ल्यू में कोई वावेल नहीं है। इसीलिए जो है ये चारों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, आर टी डब्ल्यू इनके ग्रुप में नहीं आता, वह इनसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पे, वावेल और कंसोनेंट के आधार पे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेट के रिपीटेशन के आधार पे, ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।